चलो जी सर। क्या था बैन फोकस। अभी हम लोग आए हैं यानी कि अपने नानके, और नानके का जो विलेज है ना, यहाँ हमने अपनी बहुत सी जो है यादें कह लो कि अब जिंदगी की हमने बहुत सा टाइम यहाँ गुजारा है और बहुत सी यादें इसके साथ। और ये जनाब लगाई हुई है चक्की यानी कि जिसमें आटा चावल वगैरह, आटा नहीं आटा करते हैं सुल्तान, आटे वाली वो है पीछे, ये चावल वाली, चावल वाली ये है। ठीक है, पूरा एक देसी माहौल है। और अभी आपको हम अपना घर दिखाते हैं यानी कि जो हमारे नानके जहाँ हम लोग बचपन में आया करते थे। अभी तो बहुत इसकी खस्ता कंडीशन हो गई है, और इस घर में आप कह लो कि ये बॉर्डर के करीब है, और यहाँ पे जनाब इंडिया वालों की तरफ से आया था बम, और वो बम जो पड़ा उसके बाद हमारे नानके वाले यहाँ से चले गए यानी कि वहाँ से फिर जाना बनता था, और काफ़ी खतरनाक था, लेकिन अल्लाह पाक ने ना सबको बचा लिया था। तो अभी आपको थोड़ी सी खस्ता हालत बताएंगे और किस कंडीशन में वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं किंग रोड, तो एक पुरानी जो ना याद वो दिल में दोबारा से आती है कि यार क्या वो टाइम था। तो खैर अभी आपको हम अपने जो इस घर का थोड़ा सा विजिट करवाते हैं, आप देखिए आप हमारा जो घर था वो कैसा था। आइए ये जो दीवार के साथ लगी हुई है ना, ये विलेज की एक रौनक होती है, सही है। बाकी इसका नाम किस चीज को आता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शहरियों को तो बिल्कुल इसका आइडिया नहीं होगा, पेंडू को पता होगा। ये फिर दिखाना जरा मान, ये चीज ये दीवार के साथ जो लगी हुई है ना, ये कह लो कि आप विलेज की एक रौनक होती है। तो खैर अभी ये अब जनाब पीछे से घर है ना, ये हमारा जो ना वो घर है, ठीक है, नानके का। और अभी आपको जनाब थोड़ा सा दिखाते हैं करीब से, इसके ऊपर लिखा भी हुआ, ठीक है, जो हमारे जो ना नाना है ना उनका नाम भी ऊपर लिखा हुआ है, वो भी आपको मेरे दादा और इसके नाना है, उस्मान के दादा मेरे नाना चौधरी फिरोजदीन मंजिल, चौधरी फिरोजदीन बंद कायम दिए। इधर एक होया करता था कमरा, वो खत्म हो गया। इधर से जनाब सीढ़ियां, और इधर जनाब किचन था, सही है। ये देखिए ये किचन का जहाँ हम लोग बैठ के ना तो सुबह का नाश्ता वगैरह किया करते थे। अभी इसकी कंडीशन आपको दिखा दें तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, अंदर से आपको दिखाते हैं कि ये किस कंडीशन में है। ये देखो अभी इसकी ये कंडीशन है जनाब, बस ठीक है, ठीक है, बेहतर है जा सकती है फिर। बाहर आओ। ये जनाब इस घर का इधर हुआ करता था एक स्टोर रूम इस साइड पे, ये वाला, इसमें हमारे जो कहते हैं गंदम के या कुछ चीज के उसको बोलते हम लोग पड़ोले, वो इधर रखे होते थे हमने। अभी इसकी कंडीशन ऊपर चेक करें आप किस कंडीशन में है। तो ये एक बेडरूम हुआ करता था जनाब इधर, ठीक है, जिसका एक डोर इस तरफ को था, ये देखें आप, ठीक है, वो एक चक्की का बड़ा हुआ, यहाँ चक्की शक्की का काम भी हमारे नाना करते थे, ऐसी बात है जी जी। तो ये दो कमरे थे जो कि ऊपर से गिर गए थे। अभी आपको दिखाते हैं जाके कि जहाँ हमारे कमरे के ऊपर बम पड़ा था ना, वो भी आपको छत से जाके दिखाते हैं कि बम कहाँ पड़ा था, छत के ऊपर। देखिए जनाब बॉर्डर के पास विलेज है, और इधर बच्चों के खिलौने भी जो है वो, ये देखें के इधर जनाब बच्चों के खिलौने भी, ये देखें आप किस तरह के आते हैं, हैं, ये है बॉर्डर के बच्चे खतरनाक इस खिलौने से खेलते हैं। तो अभी चलते हैं हम छत के ऊपर, तो इधर से आपको दिखाते हैं ये वाला जो कमरा है ना, ये वाला इसके ऊपर, ये जहाँ से आपको नजर आ रहा ना टूटा हुआ ये साइड, यहाँ से ऊपर किनारे के ऊपर जो ना वो आके ना तो बम पड़ा था, और इस साइड पे ना मेरी चार पाई थी नीचे सेम इस जगह पे, यानी कि साइड पे सारी चार पहिया लगी हुई थी, और यहाँ पे फर्स्ट पे मैं सोया हुआ था। हाँ, वो आगे यानी कि वॉशरूम वगैरह थे वहाँ पे जाके ना, अगर टैंकी वगैरह थी वहाँ पे काफी ज्यादा हुआ था, और इस साइड पे जानवर वगैरह बंदे हुए थे उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो अभी जनाब ऊपर चलते हैं, ऊपर तो आपको दिखाते, ये जनाब ऊपर नाम लिखा हुआ है, ठीक है, चौधरी फिरोजदीन मंजिल, ठीक है, ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है सन, ये जब ये घर शायद तमीर हुआ तब का, अब मुझे नहीं पता ये वो दूसरे रूप में लिखा हुआ है, वैसे ये तब का है, ठीक है। और अभी इस तरह की इसकी कंडीशन है, टूटा फूटा हुआ, लेकिन क्या ये तब का जो ना इस घर में हमारी यादें हैं यार, मत ही पूछो। तो ये जो है ना, यानी कि कह लो कि हम लोग बैठने के लिए जिसको बोलते हैं बैठक वगैरह, गेस्ट रूम, ये वो था, ठीक है, जिसके ऊपर जनाब इधर से बम पड़ा था, सही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सभी लोग बच गए थे। इस साइड पे पड़ा था, और आगे इस साइड पे ना ये पूरा एक सेन हुआ करता था, यहाँ पे चार पहिया लगी हुई थी, लेकिन नुकसान किसी को नहीं हुआ। तो थोड़ा सा ऊपर से जाकर देखें कि सर क्या अभी क्या सीन है, नीचे तो ये वाला सीन था अभी तक। हम
हम लोग आए हैं ऊपर छत के ऊपर, वो जगह आपको दिखाएंगे कि जिस जगह पे ना ये वाला एटम बम पड़ा था इस छोटा है लेकिन तब बड़ा पड़ा था, ये छोटी कंडीशन में है। तो उस साइड पे ना ये आ गया है, ये आप देखें यहाँ पे जनाब इस कोने के ऊपर ना पड़ा था, ठीक है। ये देखें यहाँ छोटे छोटे बम भी पड़े हुए हैं, ये आपको छोटा बम दिखा रहे हैं, यहाँ बड़ा बम पड़ा था सही है। और इसमें आप कह लो कि ये कब सा जो ना गिरा हुआ है, अभी तक ये सही नहीं हुआ सही है। यहाँ लुकमान भाई लोग सारे लेटे हुए थे लेकिन वो अभी आपको बताता हूँ सही सलामत है, बच गया हुआ। हमने सोचा था कि लेकिन ये है कि बम ने सही ना वो नीचे नहीं गया, ऊपर से इसकी यानी कह लें वो आप जो होती है ना चिंबर वगैरह वो चली गई उसकी, बच गया था। अभी उसके भाई से इंटरव्यू पूछेंगे कि क्या सीन हुआ था, मुझे इस बारे में नहीं पता, उसको प्रॉपर पता है कि क्या सीन हुआ था, उससे मुकम्मल इंटरव्यू करके ना आपको दिखाएंगे। अभी भाई लोग आ गए हमें नानक के गाँव आए हैं तो पानी छानी पिला ले, अभी चलते हैं थोड़ा पानी छानी पीते हैं, बाकी बाद में आपको बताते हैं।